राजधानी भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर वीडियो रथ निकालने की योजना बनाई गई है और वीडियो रथ के माध्यम से शिवराज सरकार में किए जा रहे विकास कार्यों को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा 128 मंडलों में आयोजित हो रहे सम्मेलनों की समीक्षा भी इस बैठक में की गई। वहीं उम्मीदवारों की सूची पर समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की ओर से लैपटॉप खरीदी मामले के आरोप पर पलटवार किया और कहा कि सरकार खरीद नहीं रही है, पटवारी खुद खरीदेंगे और रसीद जमा करने पर उन्हें राशि दी जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी प्रबंध समिति की बैठक को अभी संपन्न हुई है और इसमें जो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन सभी 28 विधानसभाओं में चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई है और इन मंडल सम्मेलनों में सभी हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेताओं के प्रवास कार्यक्रम बने हुए हैं। बहुत सफलतापूर्वक ये मंडल सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने ये तय किया है कि सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां है, इन उपलब्धियों को वीडियो रथ के माध्यम से हम चुनाव तक जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए कोई कारण